अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे छोटे आजकल सर्दियों के दिन है ना, वैसी ही ये छोटी सी रेसिपी भी है। दिन बेशक छोटे हो गए हैं, लेकिन हमारी क्रेविंग्स जो है वो उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स में ना हमारा वेट गेन होने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि हमें हर वक्त गरम गरम बिस्तर में बैठकर कुछ ना कुछ खाने पीने का दिल करता ही रहता है। वैसे तो मेरे चैनल पर ना एक ब्राइडल सीरीज़ चल रही थी, तो मुझे उसी से रिलेटेड ही अपलोड करना था, लेकिन मैंने कहा चलो ये बना रही हूँ तो पहले मैं इसकी भी एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन नगेट्स की रेसिपी। और इस डिश में इस्तेमाल होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स ना आपको अपनी किचन से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया था एक बाउल के अराउंड चिकन बोनलेस, और मेरे पास 7-8 ब्रेड थी, 2-3 अंडे थे, ब्रेड क्रम्स थे, और साथ में कुछ सॉसेस थे जो कि मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। हमने ना करना कुछ यूँ है कि हमने ना एक ब्लेंडर ले लेना है चॉपर टाइप ना, उसमें हमने बोनलेस चिकन को ऐड करना है, उसके बाद हमने ब्रेड को ऐड करना है। ब्रेड को ना हमने एज इट इज़ उसके कॉर्नर्स के साथ ही ऐड कर लेना है, हाथ से ही उसके पीसेस बना लेने हैं और फिर उसको उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमने उसमें काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक वगैरह ऐड करना है, और आपने ना इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर देना है। हालांकि चिकन ख़ुद भी है, लेकिन उसकी जो है ना खुशबू वो बहुत अच्छी आती है, तो आपने ना वो भी इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और गार्लिक सॉस लाजमी ऐड करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने ना इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल इसको ना ब्लेंड कर लेना है, और बस ये था इसको ग्राइंड करने के बाद का इसका फाइनल लुक। तो ये देखें, ये पूरे बाउल में ना आपको नज़र आ ही रहा है, ये था इसका। कुछ अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, तकरीबन 4-5 मिनट लगा के आपने इसको ना रोक रोक के चॉपर को आपने इसको ब्लेंड करना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि चिकन भी हमने बोनलेस लिया था और ब्रेड तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट होती है, तो ये इजीली सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लेट में ना ब्रेड क्रम्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले किसी वीडियो के लिए बनाए थे, तो बनती रहती हैं चीज़ें, ये तब के बचे हुए हैं। इन ब्रेड को जो मैंने इसमें डाले थे वो मैंने कॉर्नर्स के साथ ही किया था ब्लेंड, उसके मैंने क्रम्स नहीं बनाए थे। आप लोग ब्रेड क्रम्स का पैकेट भी ईजीली मिल जाता है, आप लोग वो ले लीजिएगा अगर ये नहीं तो। उसके बाद आप लोगों ने ना हाथ से ही इसकी नगेट्स वाली शेप बना लेनी है। ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाएंगे सारा कुछ। पहले आपने इसी तरह से मिक्सचर को लेना है जो हमने बनाया था, तैयार किया था। उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है, लेकिन उसे लगाने से पहले आपने इसमें मिल्क और एग जो सॉक किया हुआ होगा वो आपने इसके ऊपर लेयर अप करना है। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, तो ये ईजीली उसमें लग जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने एग वाइट लगानी है, एग योक जो है वो नहीं लगानी। तो नहीं, आप दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से एक सिरप टाइप हो जाएगा। उसमें आप हल्का सा दूध डालेंगे, दूध डालने के बाद वो बिल्कुल आपका ना एक सिरप बन जाएगा। उस सिरप को आपने इसके ऊपर लगाना है और फिर आपने उसकी कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्ब से। उसके बाद आपने ना एक पैन ले लेना है, उसमें ऑयल जो है उसको लाइट, मतलब लाइट टू मीडियम में आपने उसे गर्म करना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं ये क्रम्ब्स। आपने हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना, क्योंकि ये कच्चा है अभी अंदर से, तो ऊपर से ये होगा कि ब्रेड क्रम्ब्स जो है वो सारे जल जाएंगे और चिकन अंदर से कच्चा रहेगा, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने बिल्कुल लाइट टू मीडियम पे फ्लेम को पहले ऑन करना है, ऑयल को प्री हीट करना है, उसके बाद आपने इसमें ये डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह से आपने डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई का हरगिज मतलब नहीं है कि आप इसे जला दें और सारा कुछ, आपने इसको ब्राउन ब्राउन रखना है। तो बस जैसे कि वीडियो में भी आपको इसकी फाइनल लुक नज़र आ रही है, मैंने अंदर से भी दिखाया है कि ये पूरी तरह पक चुका था। तो बस यही थी आज की छोटी सी क्यूट सी मज़ेदार सी वीडियो। वेरी सून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।